सो हाई एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सोनू सिंह, आई एम करेंटली बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट स्टडिंग इन मैकेनिकल ब्रांच एट वेलटेक यूनिवर्सिटी चेन्नई। तो आज के वीडियो में यार, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, मिलियनर माइंडसेट, तो आज के इस वीडियो में पूरे मनी के बारे में बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से मीन्स कम एज से पूरे मिलियनर माइंडसेट की तरह से आप मिलियनर की तरह आप लोग थिंकिंग कर सकते हो। आप लोग मीन्स उस तरह के थिंकिंग मीन्स सोच सकते हो पूरे, मतलब किस तरह से आप मनी अर्न कर सकते हो अपने कम एज में, अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही मनी अर्न कर सकते हो। आप अगर जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हो, तो आप किस तरह से मीन्स ये बड़ा कुछ कर सकते हो। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मार्क जुकरबर्ग हो गए एंड बिल गेट्स हो गए, तो ये सब जो लोग हैं वो कॉलेज के अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही कुछ इस तरह का कुछ सोचना शुरू कर दिया था। और आप लोग आज देखते हो कि आप लोग आज जानते हो कि फेसबुक कितनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की कितनी बड़ी कंपनी हो चुकी है। तो उन लोगों ने कॉलेज से ही कुछ इस तरह का कुछ माइंडसेट था उन लोगों के पास कि हाँ, कुछ मीन्स लाइफ में कुछ बड़ा करना है, इस तरह का कुछ करना है। तो आज के इस वीडियो में यार पूरा उसी से बात करेंगे, आप किस तरह से अपने कॉलेज लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो और अब मीन्स लॉट्स ऑफ मनी अर्न कर सकते हो। और वो जो सीक्रेट जो होता है उतने बड़े लोगों के मीन्स उतने बड़े अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, वो क्या मेन जो क्या सीक्रेट होता है, उसके बारे में भी मैं डिटेल से बात करूँगा। तो वीडियो को यार अंत तक देखना, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। और यूजुअली यार ये सब टॉपिक पे मीन्स कोई इस तरह से बात नहीं करता है कि क्योंकि अंदर से एक कंपटीशन वाली फीलिंग आ जाती है कि पता नहीं ये सब के बारे में मीन्स बता दूंगा तो एक मीन्स पता नहीं सभी के सभी रीच हो जाएंगे, इस तरह का मीन्स माइंडसेट एक मेनली जनरली एक कंपटीशन वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन मेनली रियलिटी तो ये है यार कि आपके पास जो भी नॉलेज है, आप जितना ज़्यादा शेयर करते हो किसी दूसरे के बीच, तो दूसरे लोगों को तो फ़ायदा होता ही होता है, वो भी आगे बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको भी उस चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है। तो वीडियो का अंत तक देखना, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। और भी मीन्स जो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में कॉलेज ईयर में इंटर करने वाले हैं, इवन या तो फिर 9th, 10th, 11th, 12th में स्टडी कर रहे हैं, वो भी मीन्स इस तरह का कुछ जानना चाहते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है मीन्स फ्यूचर में जो मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जो इतने बड़े सक्सेसफुल मीन्स मिलियनर होते हैं, बिलियनर होते हैं, उस तरह का जो माइंडसेट होता है, तो उसके पीछे मेन जो सीक्रेट क्या होता है, वो अगर जो आप भी अगर जो जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और इसके पहले यार मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बस इस तरह से मैंने मीन्स कैमरा खोला और मीन्स कुछ भी मीन्स बकना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके बारे में इस टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए मैंने यार बहुत सारे मीन्स बुक्स पढ़े, क्योंकि मेरे को ये सब में बचपन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहती थी। बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारे जो आजकल जो सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बारे में मीन्स बहुत सारा स्टडीज़ किया, बहुत सारा वीडियोज़ देखा। और इसके पहले यार इस टॉपिक पे एक जो कल्पित बिरवाल है, जो कि 2017 में AIR1 JEE मेंस के एग्ज़ाम में जो लाए थे, और वो अभी जैसा कि कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं IIT बॉम्बे से, तो उन्होंने ये वीडियो बनाई थी। मैंने उनके भी वीडियो को देखा और मेरे को ऐसा लगा कि मैं मीन्स कुछ और भी कुछ उसमें ऐड करके और भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो टॉपिक सेलेक्ट किया, तो आप अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखना। तो सबसे पहले यार जानते हैं कि हम लोग के इंडिया में एक सक्सेस का डेफिनेशन मींस क्या है, एक सक्सेसफुल लोग के डेफिनेशन क्या है। या तो फिर आप अगर जो कुछ बड़ा करना चाहते हो और मींस कोई पेरेंट्स है जो कि अपने बच्चों को कुछ बड़ा ऐसा कुछ देखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आजकल मींस क्या कर रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ, मींस हम लोग के साथ क्या हो रहा है। तो हम लोग को यार बचपन से ही बस यही सिखाया जाता है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, स्टडी करो, एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करो। तो और ऐसा करते भी हैं कि हम लोग 8th, 9th, 10th में अच्छे से 10th CGPA लाते हैं, उसके बाद फिर 11th, 12th में भी स्टडी करते हैं अच्छे में, 12th में भी अच्छे परसेंटेज से 95%+ से पास करते हैं। उसके बाद फिर उसके साथ साथ आप अगर जो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, IIT का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक अच्छे IIT या NIT कॉलेज में चले गए। आप अगर जो डॉक्टर आप अगर जो फ्यूचर में बनना चाहते हो, तो आप नीट एम्स का एग्ज़ाम क्रैक करके आप अच्छे एक एम्स कॉलेज में आप अगर जो इंटर कर गए, तो ऐसा माना जाता है कि हाँ, इस बंदे की लाइफ अब सेट हो गई, मीन्स ये अब कुछ ना कुछ इस तरह से बड़ा कुछ उखाड़ लेगा, कुछ बड़ा कर लेगा,
ठीक है। तो हम लोग की इंडिया में सक्सेस का डिफिनेशन यही है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करो, उसके बाद फिर आप मीन्स लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर लोगे और सक्सेस, और सक्सेस मीन्स आपको 100% मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई तो ये है यार कि आपको कॉलेज में भी मीन्स जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों वहाँ जो सिखाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मीन्स हम लोग सुनते हैं कि आई आई टी एन का मीन्स करोड़ों की पैकेज मिल जाती है, 1.5 करोड़, 2 करोड़ों की पैकेज मिलती है, तो ऐसा नहीं, सभी को नहीं मिलता है। ठीक है, आपको कॉलेज में भी जाके जो भी मीन्स सिखाया जाता है, वहाँ पढ़ाया जाता है, आपको बहुत सारी स्किल को सीखना पड़ता है, उसके बाद फिर उस अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं। एक जो सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो मीन्स अपने कॉलेज लाइफ के आप जो भी आपका जो भी ब्रांच है उस ब्रांच के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को वो कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर वो हाईली सक्सेसफुल और हाईली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। वैसे यार सक्सेस का तो मीन्स कोई इस तरह से डिफिनेशन नहीं बता रखा है कि हाँ मीन्स ये है वो है तो सक्सेस है, बट फिर भी इन जनरल बात करें तो सक्सेस मेनली 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सक्सेस मीन्स डेफिनेशन ऑफ सक्सेस पहली बात करें तो हैप्पीनेस, सेकेंड बात करें तो मनी, थर्ड बात करें तो मीनिंगफुल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मीन्स किसी ने मीन्स डिफाइन कर रखा है कि यहाँ सक्सेस का जो कुछ ऐसा डिफिनेशन है, ऐसा नहीं है, बट फिर भी इन जनरल बात करें तो सक्सेस का जो मेन जो डिफिनेशन है मैं मानता हूँ कि इन 3 चीज़ों पे मीन्स डिपेंड करती है। तो पहला जैसा कि हैप्पीनेस, ठीक है, आप कोई भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, और उसके थ्रू आप पैसा अर्न कर रहे हो, तो मीन्स आपको उस वर्क करने के बाद आपके पास अगर जो हैप्पीनेस नहीं है, आप उस काम करने के बाद आप खुश नहीं हो, तो ऐसा है कि यार मीन्स आपके पास मीन्स रियल जो सक्सेस होता है वो मीन्स नहीं माना जाएगा कि हाँ आप सक्सेसफुल हो। उसी तरह से सेकेंड है मनी, मनी मीन्स आप जो भी वर्क कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि हाँ कोई काम कर रहे हो उसके बाद आपको मीन्स मनी नहीं मिल रहा है तो आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ मीन्स यही सब लोग कुछ भी काम करते हैं तो पैसे के लिए ही काम करते हैं, तो इसका भी मीनिंग ये है कि आप मीन्स सक्सेसफुल आप तभी माने जाओगे कि आप मीन्स बहुत सारे पैसे अर्न कर रहे हो उस काम को करने के बाद। और तीसरा बात करते हैं मीनिंगफुल, कुछ भी मीन्स काम कर रहे तो ऐसा भी नहीं कि अलीगल कुछ मीन्स इस तरह से कर रहे हैं, लीगल कुछ बात कुछ काम कर रहे हैं, किसी को मीन्स चोरी करके धमका कर और किस तरह से मीन्स गलत तरीके से कुछ पैसा अर्न कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं, मीन्स मीनिंगफुल वर्क भी होना चाहिए कि आप कुछ भी काम करें जिससे कि दूसरे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे के लोगों की कुछ हेल्प हो पा रही है, उसके बाद फिर आप पैसा अर्न कर रहे हो उतने, तो मीन्स ऐसा माना जाए, तो मीन्स जनरली ऐसा है कि आप मीन्स सक्सेसफुल हो। तो ये सारी बातें थी यार जो कि मैंने बेसिक बताया कि इस तरह की इन जनरल लोगों की थिंकिंग है। अब डायरेक्ट यार बात करते हैं जो इस वीडियो का जो मेन पार्ट है मीन्स मनी के बारे में। इन जनरल जो लोग इस तरह से मीन्स जानते हैं कि हाँ आप मीन्स सक्सेस बहुत बड़े अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हो, वो मीन्स इन जनरल लोगों की थिंकिंग है कि आप अगर जो आपके पास अगर जो 2 चीज़ें हैं तो आप मीन्स कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ और भी मीन्स बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि जुड़ती है आप करते हो तो मीन्स पहला अगर जो मीन्स एफर्ट, ठीक है, आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, तो एफर्ट आप जितना ज़्यादा लगाओगे आप उतना ज़्यादा मनी अर्न करोगे। ठीक है, मेनली मनी के बारे में कि आप अगर जो मनी ज़्यादा अर्न करना चाहते हो तो आप जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओ उतना ज़्यादा मीन्स मनी अर्न करोगे। दूसरा की बात करें तो स्किल, ठीक है, आप में ज़्यादा स्किल, जितना ज़्यादा स्किल होगी उतने ही ज़्यादा आप मनी अर्न करोगे। ठीक है, लेकिन एक जो जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो लोगों को नहीं पता है, और इस वीडियो का जो मेन पार्ट है वो यही है, जो कि एक और टर्म आता है वो होता है लेवरेज। ठीक, मेनली यही दोनों चीज़ों के बारे में लोग इन जनरल जानते हैं। ठीक है, कि एफर्ट इंटू स्किल इक्वल टू मनी मीन्स ज़्यादा सक्सेस और मनी सक्सेस एंड मीन्स ज़्यादा सक्सेस मीन्स मनी में ज़्यादा मीन्स मनी बहुत ज़्यादा अर्न करोगे। ठीक है, मनी बहुत ज़्यादा मीन्स अर्न करोगे। ठीक है, आप सक्सेस भी होगे और मीन्स उस मीन्स सक्सेसफुल मीन्स सक्सेस की इसमें तो मनी अर्न ज़्यादा करने में मीन्स ये दोनों एफर्ट प्लस स्किल अगर जो आपके पास है तो आप मीन्स बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने एक जो मेन टर्म बताई वो क्या चीज़, लेवरेज, लेवरेज LEVER A। ठीक है, लेवरेज ये अगर जो आप अगर जो जोड़ लेते हो ना तो मेन जो सक्सेसफुल का जो राज होता है वो ये चीज़ें होती है, लेवरेज। ठीक है,
तो अब बात करते हैं यार कि लेवरेज क्या होती है। ठीक है, स्किल तो आप जानते हो कि आप स्किल, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ोगे, आप कॉलेज में स्टडी करते हो, ये सब मीन्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखोगे, वो स्किल तो आप जानते हो कि इस तरह से पढ़ने से स्किल मीन्स ज़्यादा सीखते हैं, लर्न करते हैं हम लोग। और एफर्ट तो जानते हो कि मीन्स आप जितना एफर्ट डालोगे, ठीक है, 24 घंटा में आप अगर जो 24 घंटा काम करते हो, तो आपकी वो एफर्ट होगी कि आप उस काम को मीन्स जो भी काम कर रहे हो, तो आप उस 24 घंटे काम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको मीन्स आपको आउटपुट मिलेंगे। तो सारी चीज़ों तो जो कि आप जानते हो, आप लोग कर सकते हो कि स्किल को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और मीन्स एफर्ट आप लोग जो आज 12 घंटे काम कर रहे हो, तो आप अगर जो रिच होना चाहते हो, आप ज़्यादा मनी अर्न करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो 12 घंटे की जगह 15 घंटे 18 घंटे मीन्स वर्क करना स्टार्ट कर दो, तो ये हो जाती है। लेकिन मेन जो फैक्टर जो होती है, ये सबसे ज़्यादा उतना फैक्ट मीन्स ये सबसे ज़्यादा उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके मीन्स मनी अर्निंग में। जो मेनली जो चीज़ें जो फैक्ट करती है, जो मेनली जो चीज़ें जो होती है, वो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो एफर्ट मीन्स लेवरेज को आप अगर जो जितना ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा लेते हो ना, तो श्योरली आप मीन्स 100% आप मनी ज़्यादा अर्न करोगे। तो अब यार मेनली यार जानते हैं कि लेवरेज, ये लेवरेज है क्या, जो कि इस वीडियो का सबसे मीन्स इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यही चीज़ें होती हैं जो कि एक सक्सेसफुल जो एक मिलियनर इस तरह से होते हैं, जो कि आजकल हाईली मीन्स ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं। आप अगर जो ज़्यादा पैसे अर्न करना चाहते हो, तो आप इस लेवरेज को आप जितना ज़्यादा बढ़ाते हो, उतनी ही ज़्यादा मीन्स आपको स्किल उतनी ही लगेगी, आपको एफर्ट उतना ही लगाना पड़ेगा। लेकिन आप जितना ज़्यादा लेवरेज को आप एक्यूरेट करते हो, जितना ज़्यादा लेवरेज को आप बढ़ाते हो, उतनी ज़्यादा ही आप पैसे अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लेवरेज है क्या। तो इनडायरेक्ट वे में यार लेवरेज की डेफिनेशन है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप जितने भी पैसे अर्न कर रहे हो, तो उस पैसे को मीन्स इंक्रीज करने के लिए और कितने ऐसे लोग हैं जो कि उस चीज़ में आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैसों को और भी ज़्यादा बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेवरेज का डेफिनेशन ये है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल इसको अच्छे से समझने के लिए लेते हैं कि मान लो कि कोई भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो उस कंपनी का एक फाउंडर है जो कि उस कंपनी को मीन्स स्थापित किया है, उसको आगे बढ़ाया, जीरो से लेके आजकल जैसे कि उस कंपनी में लैक्स ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो एक सबसे पहले बात करते हैं उस कंपनी के एम्प्लॉय की, जो कि एक जैसे कि आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, तो उस कंपनी के लिए आपका लेवरेज वैल्यू 1 हुई अपने आप के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मीन्स आप जितना वर्क करोगे उसी का मीन्स पैसा आपको पे करेगा आपको कंपनी वाला, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मीन्स कोई कैबिन में, जो बगल में कैबिन में बैठा हुआ है, वो आपको मीन्स कुछ पैसा देगा, ऐसा नहीं है। आप उस कंपनी में वर्क कर रहे हो, आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, तो सिर्फ कंपनी वाले पैसे देंगे आपको। जितनी भी मंथली हो मीन्स 20,000 हो गई, 50,000 हो गई, लाख हो गई, तो आपको उतनी ही पैसे मिलेंगे। अब उसी तरह से बात करते हैं, उसके अपोजिट बात करते हैं उस कंपनी के फाउंडर के, तो उसको जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं उस कंपनी के मीन्स अर्निंग की तरह, अर्निंग की तरफ जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, वो सारे के सारे एम्प्लॉय हुए। जितने लोग मीन्स काम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि मीन्स कंपनी में, आप कोई भी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, आप कोई भी कंपनी में काम करते हो, तो वो कंपनी वाले ने तुम्हारे को इसलिए रख रखा है कि आप अगर जो 50 आपको अगर जो 50,000 पे कर रहा है, तो आप उसको 50 की जगह 1 लाख आप अगर जो कन्वर्ट कर रहे हो, तो अभी आपको उस कंपनी वाले ने रख रखा है। तो इनडायरेक्ट वे में क्या होगी कि आप मीन्स उस कंपनी के जो फाउंडर है, उसको अर्निंग की तरह आप इंक्रीज कर रहे हो, मीन्स उसके अर्निंग को इंक्रीज कर रहे हो। आपको खुद मीन्स कंपनी वाले सिर्फ पे करेंगे पैसा खुद के लिए आपको, लेकिन उस कंपनी के जो फाउंडर है, उसके अर्निंग में लैक्स ऑफ जितने भी इम्प्लॉय है, वो सारे के सारे उसको अर्निंग को मीन्स बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ये होता है लेवरेज, ठीक है। आप अपने आप के लिए, आप जो काम कर रहे हो, जो इम्प्लॉय जो काम कर रहा है, वो अपने आप के लिए लेवरेज वैल्यू 1 है, लेकिन उस कंपनी का जो मालिक है, जो फाउंडर है, जो CEO है, उसके लिए वो सारे इम्प्लॉय उसका लेवरेज हुए, जो कि उसके इंक्रीज मीन्स मनी को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि YouTube की ही बात करते हैं, YouTube के जो फाउंडर होंगे, जो भी CEO हैं, तो उन्होंने क्या है कि उसके लिए मीन्स कितने मीन्स बहुत सारे लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो ये वीडियो बना रहा हूँ किस लिए कि मेरा तो अल्टीमेट इनकम होगी होगी, लेकिन ऐसे ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं जो कि वीडियो बनाते हैं, उसके मीन्स वीडियो जो बनाते हैं, तो YouTube का जो मेन जो है उसको मीन्स इस YouTube के वीडियो पर जो ऐड आता है, तो
उस ऐड का जो पैसा है किसे जाता है, वो मेनली जो यूट्यूब का जो मैं फाउंडर है सीईओ है उसी के पास जाता है, मीन्स उसका कुछ परसेंट जो पैसा है जो कि हम लोगों के यूट्यूबर्स के पास आता है। तो क्या है कि मीन्स यूट्यूब का जो मीन्स कितने मिलियन ऑफ मिलियन मीन्स व्यूज है, सब्सक्राइबर है, मिलियंस ऑफ मिलियंस इस यूट्यूब के जो फाउंडर है उसमें मीन्स यूट्यूब का जो मेन कंपनी है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, यूट्यूब का जो इंटरनल जो सारा सिस्टम है उसके लिए बहुत सारा मीन्स इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत सारा काम कर रहा है, तो क्या वो सारे लोग भी यूट्यूब का जो है वो लेवरेज वैल्यू हो गए। जैसा कि हम लोग खुद अपने आपस में ही बात करें यूट्यूबर्स के ही बारे में, तो मैं अगर जो बात करूं तो हमारे चैनल पे मींस 6K सब्सक्राइबर हैं, 6000 सब्सक्राइबर हैं, और कोई दूसरा यूट्यूबर है जो कि उसके पास मींस 1 लाख सब्सक्राइबर है, तो लेवरेज वैल्यू उसके लिए 1 लाख हो गया, ठीक है। उसका जो जो भी वीडियो पब्लिश करेगा तो उसको 1 लाख लोग वॉच करेंगे और उस पर जो भी जितने भी लोग देखेंगे उस पर एड्स आते हैं और उसके थ्रू उसको पैसा मींस अर्न होता है, पैसा पे होता है, वही जो एड्स जो आते हैं वीडियोज और उसी के थ्रू मींस पैसा उसको पे होता है, यूट्यूबर्स के पास पैसा आता है मीन एड्स के जितने ज़्यादा वॉच टाइम होता है, जितने ज़्यादा लोग उस वीडियो को देखते हैं। तो एक वैसे यूट्यूबर जो कि जिसके पास 1 लाख है तो उसके पास मीन्स लेवरेज वैल्यू 1 लाख हो गई, कोई भी मीन्स एफर्ट और टाइम तो उतना ही लगाएगा जितना कि मैं लगाता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके पास क्या है कि लेवरेज वैल्यू ज़्यादा होगी, उसके पास 1 लाख लोग हैं जो कि उसको वीडियो जैसे ही पब्लिश होगी 1 लाख लोग देखेंगे, और मैं हूँ तो मीन्स वीडियो बनाता हूँ तो टाइम तो उतना ही दूंगा, कोई भी मीन्स अगर जो ये माना जाए कि उसके पास स्किल भी मीन्स सेम है और टाइम भी वही देता है तो और टाइम भी उतना ही देता है तो उसके पास ड्यू टू लेवरेज वैल्यू उसका मीन्स पैसा ज़्यादा अर्निंग होगा। लेकिन मेरा मीन्स बहुत कम सब्सक्राइबर है तो उसके कारण मेरा अर्निंग बहुत कम होगा, ठीक है। तो मेनली यार तो ये तो बात यार क्लियर हो गई कि लेवरेज वैल्यू स्किल और एफर्ट, ठीक है। आप स्किल को भी मीन्स कितना यार मीन्स कोई अगर जो 5 घंटे स्टडी कर रहा है, 6 घंटे स्टडी कर रहा है, मीन्स कितना भी जितना भी लर्निंग कर रहा है, जो भी आप स्किल सीख सकते हो किसी दूसरे से, मीन्स एक सर्टेन लेवल होता है क्योंकि आपके जो बायोलॉजिकल माइंड होता है वो भी मीन्स थक जाता है एक आउट ऑफ मीन्स एक लेवल तक पहुंचने के बाद, तो इसको भी आप ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हो स्किल को, और एफर्ट को भी ऐसा नहीं है कि मीन्स 24 घंटे होते तो 24 घंटों में कोई 50-50 घंटे काम कर रहा है, ऐसा भी नहीं होता, 24 घंटे में मैक्सिमम आप 24 घंटे काम कर सकते हो, तो ये दोनों चीज़ को तो एक लिमिट तक आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन जो लेवरेज है वो कोई मीन्स लिमिट नहीं है उसका, आप इनफाइनाइट उसको इंक्रीज कर सकते हो लेवरेज वैल्यू को। तो मेन तो कंसेप्ट यार क्लियर हो गया कि जो ज़्यादा जो पैसे जो अर्न करते हैं उनके पीछे का जो मेन सीक्रेट होता है वो होता है लेवरेज वैल्यू, कि उसके लिए लोग कितने लोग काम कर रहे हैं, और ये ऐसा सीक्रेट है यार कि जो कि जिसे कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है, और जो भी हाईली सक्सेसफुल भी जो भी मीन्स जैसे मार्क जुकरबर्ग हो गए और बिल गेट्स हो गए, ऐसे भी लोग हैं जो कि मीन्स ये सीक्रेट बताते नहीं हैं, ठीक है। आप वो ये तो सब लोग यही बताएंगे कि हार्डवर्क करो, जो कि आप लोग ऑलरेडी जान रहे हो कि हार्डवर्क करो, आप जो भी काम करो वो पैशन से काम करो, आप ज़्यादा एफर्ट लगाओ, ज़्यादा टाइम दो, आप मेहनत करो, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करो, ये सब जो भी मीन्स ये सब बताएंगे जो कि आप लोग ऑलरेडी जान रहे हो, लेकिन ये जो सीक्रेट है जो कि लेवरेज वैल्यू को बढ़ाने के लिए लेवरेज के बारे में वो कोई नहीं बात करता, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे भी यार कि जो कि वीडियो देख रहे हो तो ये क्या मीन्स वीडियो को बीच से ही लेवरेज मीन्स सिर्फ लेवरेज के बारे में बता रखा है, ये पता नहीं क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मीन्स समझ में भी नहीं आ रही, बहुत सारे होंगे जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मीन्स समझ रहे हो कि ये सोनू भाई ये क्या बता रहा है, लेवरेज वीडियो के बीच से ही सिर्फ लेवरेज की बात कर रहा है, क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को मीन्स उतनी समझ में भी नहीं आ रही होगी, लेकिन मेन जो सक्सेसफुल जो लोग होते हैं उसका जो मेन जो कारण होता है, मेन जो उसके पीछे का सीक्रेट होता है वो यही होता है, ठीक। अब ऐसा नहीं यार कि मीन्स दूसरे लोगों को ऐसा बताना चाहता हूँ कि ये सब मीन्स पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और मीन्स लेवरेज पर किस तरह से मीन्स लेवरेज को किस तरह से बढ़ा सकते हैं उसके बारे में सोचने लगो, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप मीन्स सही है कि आप इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप इंजीनियरिंग करो, आप मीन्स इंजीनियरिंग करके आप कोई भी कंपनी में काम करो, ठीक है, लेकिन
ये अगर जो आप चाहते हो कि आप मीन्स बहुत सारे पैसे अर्न करना चाहते हो, बहुत सारे मनी मीन्स रिच बनना चाहते हो, तो आपको लेवरेज पे ध्यान देना है, लेवरेज पे ही ध्यान देना होगा। जैसे कि मीन्स आप लोग देखते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि मार्क जुकरबर्ग हो गए, गूगल के CEO सुंदर पिचाई हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ये सब हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, इलोन मस्क हो गए। तो इस तरह के आप अगर जो अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हो, इस मीन्स उस पोजीशन पे आप अगर जो पहुंचना चाहते हो, तो लेवरेज पे ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब यार बात आती है कि इस लेवरेज को हम लोग बढ़ाने के लिए मीन्स क्या कर सकते हैं। मीन्स जीरो से अगर जो स्टार्ट करना चाहते हैं और मीन्स इतने सारे मीन्स बहुत सारे लेवरेज वैल्यू को मीन्स इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम लोग मीन्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यार मीन्स सबसे पहले इस तरह से छोटे से शुरुआत करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मीन्स फेसबुक एकाएक मीन्स एक दिनों में कोई फेसबुक इस तरह से इतनी बड़ी कंपनी मीन्स एक दिन में खड़ी हो गई है, ठीक है। छोटे से शुरुआत होती है कोई भी मीन्स काम जो होता है, कोई भी बड़ा जो अचीवमेंट होता है, वो छोटे छोटे एफर्ट से, छोटे छोटे चीज़ों से शुरुआत होती है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि छोटे से मीन्स शुरुआत करना हो, और इस तरह के मीन्स अचीवमेंट को इतने बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे टाइम की ज़रूरत होती है, बहुत सारा टाइम। ऐसा नहीं है, ठीक है, फेसबुक को इस लेवल तक पहुंचने में आज आप लोग जहां तक देख रहे हो, फेसबुक की इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हो चुकी है, तो मार्क जुकरबर्ग को 15 साल लग गए इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने के लिए, ठीक है। तो मीन्स टाइम तो लगता है, और एफर्ट स्किल ये सब तो खैर है ही, आप लोग स्टडी कर ही रहे हो, लेकिन जो लेवरेज का जो बढ़ाने के लिए, वो मीन्स छोटे से आप लोग शुरुआत कर सकते हो। और स्किल और एफर्ट तो यार खैर आपको लगाना ही है। ऐसा नहीं है कि ठीक है आपके पास कुछ मीन्स नॉलेज नहीं है, स्किल कुछ है ही नहीं, और आप अगर जो मीन्स कल को चाह रहे हो कि आप मीन्स मिलियन मीन्स डॉलर पैसा अर्न करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको स्किल तो चाहिए ही चाहिए, और आपको एफर्ट भी लगाना ही होगा। ऐसा नहीं कि कुछ करना ही मीन्स नहीं है और ऐसे ही मीन्स बहुत सारा पैसा अर्निंग होगा, तो ऐसा तो है नहीं। स्किल को तो यार इक्वायर करते ही रहना है, ठीक है। और स्किल भी वैसी वैसी सीखना है जो कि आजकल मार्केट में जो डिमांडेड हो। ऐसा नहीं कि मीन्स सिर्फ इसलिए नहीं आपको स्किल सीखना है कि जो भी मीन्स पढ़ रही हूँ उसके थ्रू मैं सिर्फ मीन्स कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, या तो फिर कोई भी मीन्स कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर लिया, क्लियर कर लिया, उसके बाद फिर कोई भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब ठीक है, आप वो कर सकते हो, लेकिन आपको स्किल इसलिए सीखना है कि आप कुछ मीन्स उससे कुछ और भी कुछ बड़ा से बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये सब तो आप लोग कर ही सकते हो कि आप मीन्स सीख गए, कुछ पढ़ लिख लिए, तो आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो, कोई भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मीन्स सीख लिए, कुछ भी सीख लिए तो आप मीन्स उस कंपटीशन को फाइट करके आप जॉब कर सकते हो। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं सीखना है आपको, मीन्स सीखना है कि आप कुछ से कुछ नया कुछ कर सकते हो, इसलिए सीखना है स्किल। अब बात करते हैं यार लेवरेज की, ठीक है, कि आप अपने क्लास से, आप अपने फ्रेंड सर्किल से, आप अपने कॉलेज लाइफ से मीन्स लेवरेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। जैसा कि मैं खुद बताऊं यार अपने बारे में, जैसा कि मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूं, तो मेरे को क्या है कि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है YouTube पे वीडियोस बनाने में। ये सब जो भी मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस रहती है, वो सबको मीन्स ज़्यादा मीन्स किसी के साथ शेयर करने में, ये सब करने में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इससे क्या है कि एक तरह की मीन्स जीरो से शुरुआत भी हो रही है, और एक तरह से मीन्स लेवरेज वैल्यू भी मीन्स इंक्रीज हो रही है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते किसी ना किसी दिन 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, 50K होंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे। तो क्या है कि जीरो से शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, मेरे लेवरेज वैल्यू मीन्स बढ़ते जाएगी। क्या है कि मीन्स एक पर्सनल लेवरेज वैल्यू को बढ़ाने के लिए मेन अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अपने आप को, फेस को, आप अगर जो मीन्स कोई भी आप अगर जो सीख स्किल है, आपको लगता है कि नहीं मैं इसमें मीन्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट को, उस स्किल को आप लोग मीन्स लेवरेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास जो भी एक स्किल है, आपके जो भी हॉबी है, आपको उसको आप लेवरेज में कन्वर्ट कर सकते हो। लेवरेज अगर जो ज़्यादा हो, तो मीन्स आपके पास अगर जो स्किल अगर जो कम भी है, एफर्ट अगर जो कम भी लगा रहे हो, और आपके पास अगर जो लेवरेज ज़्यादा है, तो आप किसी के दूसरे के कम प्रयोजन में आप बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। जैसे कॉलेज ये सब में मीन्स ये सब के बारे में बताया नहीं जाता कि ये सभी सारी चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट करती है, मीन्स फ्यूचर में ये सभी होता है। कुछ जो बड़े हाईली जो सक्सेसफुल होते हैं, उसके पीछे का राज जो होता है, ये लेवरेज होता है,
ये सब सिखाया भी नहीं जाता है। कॉलेज में भी स्कूल में भी यही सिखाया जा रहा है कि आराम से स्टडी करो, और जहाँ से जहाँ तक शॉर्ट ट्रिक बताए जा रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक पढ़ो और उसके बाद फिर सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर कर लो, उतनी तरह ही मीन्स माइंड भी वहीं तक हम लोग के सिमट कर भी रह गई है कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जितना मीन्स पढ़ना हो उतना हम लोग पढ़ना भी उतना ही चाहते हैं जितना कि ज़रूरत हो। ठीक है, एग्ज़ाम को सिर्फ किसी तरह से क्लियर हो जाए और किसी कंपनी में जॉब मिल गया और बस। ठीक है, सिर्फ थिंकिंग को तो रखते हैं कि हम लोग भी मीन्स काश उस तरह के बिल गेट्स जैसे और मार्क जुकरबर्ग, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जैसे मीन्स बने, लेकिन उसके पीछे का जो मेन जो कारण होता है वो हम लोग ढूंढने का और मीन्स पढ़ने का और मीन्स ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने का मीन्स प्रयास नहीं करते हैं। कॉलेज में सिखाया जाता है वो तो आप लोग यार मीन्स अगर जो उसी पे आप लोग अगर जो डिपेंड रहोगे तो आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ लाइफ में नहीं कर सकते। ठीक है, आपको कुछ अगर जो एक्स्ट्रा करना है तो आपको कुछ अलग कुछ सीखना होगा, आपको कुछ अलग करना होगा, आपको कुछ अलग एफर्ट लगाना होगा। तो कॉलेज पे सिर्फ डिपेंड नहीं रहना है ये सब के लिए, क्योंकि स्कूल और इवन कॉलेज ये सभी भी नहीं बताया जाता है कि हाँ आप मीन्स लेवरेज को कैसे बढ़ा सकते हो, आप कैसे जीरो से शुरुआत कर सकते हो, अपने लोगों को कैसे कैसे मीन्स जोड़ सकते हो, अपने मीन्स स्किल है तो उसको कैसे मीन्स अपने लेवरेज में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने स्किल को कैसे मीन्स लोगों तक पहुंचा सकते हो, ये सारी चीज़ें जो आपको एजुकेशन भी नहीं सिखाती है। ठीक है, ये आपको खुद से करना होता है, आपको खुद से जीरो से शुरुआत करनी होती है, उस लेवल तक पहुँचना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे मैं यूट्यूबर को जानता हूँ जो जिसके पास मीन्स कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा मीन्स इस तरह से भी नहीं कि बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग है और बहुत सारे मीन्स आईआईटी कॉलेज से पास आउट है, या तो फिर इवन मीन्स टेंथ क्लास ट्वेल्थ क्लास में सिर्फ इस तरह से पढ़ रहे हैं और लैक्स मनी मीन्स लॉट्स ऑफ मनी मीन्स अर्न कर रहे हैं। ठीक है, वो 50 महीने मंथली के 50,000 लैक्स ऑफ लैक्स मनी मीन्स अर्न कर रहे हैं। ठीक है, जो कि एक मीन्स सक्सेसफुल आईआईटीयन भी मीन्स अपनी लाइफ में मीन्स अर्न नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि मीन्स अपना सिर्फ यूट्यूब चैनल खोला हुआ है अभी और अपना जो भी एक्सपीरियंस है, अपना जो भी मीन्स अपना हॉबी है वो सिर्फ शेयर कर रहा है, अपना एक ब्लॉगर अपना एक ब्लॉग खोल के बैठा हुआ है, उस पर मीन्स आर्टिकल लिख रहा है, पोस्ट लिख रहा है, वो शेयर कर रहा है और उस पर लैक्स ऑफ लैक्स मनी अर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको स्कूल और कॉलेज भी नहीं सिखाती है, आपको ये सब खुद, ये सब अगर जो आपके पास अगर जो स्किल है, आपके पास अगर जो हॉबी है, आपको ये सब में इंटरेस्ट है, तो आप मीन्स जीरो से शुरुआत करके उस लेवल तक पहुंच सकते हो। अब ऐसा भी नहीं यार कि मीन्स ये सब बता रहा हूँ तो मीन्स ऐसा भी नहीं है मेरा कि मीन्स पढ़ाई लिखाई ये सब छोड़ दो और कल को मीन्स वीडियोज बनाने लगो, ब्लॉगिंग करने लगो। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, कहने का मीन्स ये सब बताने का मेरा मकसद ये सब भी नहीं है कि मीन्स सब कुछ छोड़ दो पढ़ाई लिखाई मीन्स ये सब तो फालतू के बाद ये सब क्या क्या बता दिया यार कि मीन्स पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दो और ब्लॉगर यूट्यूबर मीन्स ये सब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मीन्स आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसको मीन्स आप अपने एज ए हॉबी मीन्स ये स्टार्ट कर सकते हो और उसको मीन्स सोचो कि आपको किस तरह से मीन्स आप उसको लेवरेज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा कि मैं खुद अपने बारे में बताया, ठीक है, कि मेरे को ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, मेरे पास जो भी लाइफ है का एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो भी नॉलेज है, ये सब दूसरों के साथ में शेयर करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, मीन्स मोटिवेशन में, किसी को मोटिवेट करने में, खुद को मोटिवेट होने में, खुद को ये सब लाइफ का एक्सपीरियंस बताने में, ये सब में मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मीन्स बहुत ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट रहता है और बचपन से इंटरेस्ट रहा है। तो मैं डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने स्किल को, मैं इसी अपने हॉबी को क्या कर रहा हूँ कि अपने लेवरेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आज मेरे यूट्यूब पे मीन्स 6,000 सब्सक्राइबर हैं, कल मीन्स 2 मंथ बाद, आफ्टर 5 मंथ बाद, साल भर बाद मीन्स कभी ना कभी सब 50,000 सब्सक्राइबर होंगे, 1,00,000 सब्सक्राइबर होंगे, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते बढ़ते। तो वो क्या है, इनडायरेक्ट वे में मीन्स लेवरेज को ही बढ़ा सकता हूँ। फिर इसी वीडियो को इतनी ही मीन्स स्किल अगर जो मेरे पास अगर जो इतनी ही स्किल है, स्किल तो ठीक है धीरे धीरे तो बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर जो मीन्स इतना ही एफर्ट लगाऊंगा आज के मीन्स 2 साल बाद, तो उस टाइम क्या होगा कि मेरे पास लेवरेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, 1,00,000 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके होंगे और इतनी ही एफर्ट लगानी पड़ेगी, इतनी ही मीन्स मेरे को मीन्स इतनी ही स्किल से और इतनी ही एफर्ट लगानी पड़ेगी, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उसी तरह से कल कोई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उस पास क्या है मीन्स ज़्यादा अर्निंग ज़्यादा होगी मेरे पास,
क्योंकि ड्यू टू लेवरेज वैल्यू, लेवरेज वैल्यू 1 लाख लोग हमको मीन्स देखेंगे और उसके थ्रू जो भी व्यूज आएगी, मीन्स कोई भी वीडियो पब्लिश करूँगा तो उसके तुरंत बाद मीन्स 50,000 व्यूज एक एक वीडियोज पर, लाख लाख व्यूज आएंगे, तो उस व्यूज से फिर जो भी मीन्स पैसा होगा एड्स के थ्रू अर्निंग होती है यूट्यूबर्स का, तो उस दिन मीन्स उतने पैसे अर्न होंगे। लेकिन आज क्या है कि 6,000 मीन्स वीडियो पब्लिश करता हूँ तो 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग, 200 लोग मैक्सिमम देखेंगे, तो उतनी ही लोगों की पैसे अर्निंग होगी। अब यार बात करते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड में है कि आप अपने स्किल को कैसे मीन्स लेवरेज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप मान लो कि आप बीटेक कर रहे हो मैकेनिकल ब्रांच से, ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच से आप बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो कोई भी कॉलेज से, और आप मीन्स जो भी पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आप कॉलेज में सीख रहे हो, तो कॉलेज में मीन्स जनरली क्या होता है, जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं कि मीन्स उतना ही सीखते हैं, पढ़ते हैं कि मीन्स किसी तरह से आफ्टर 4 ईयर किसी तरह से मीन्स कोई कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, ठीक है, बस उतने तक ही माइंड रहती है इन जनरल ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए। लेकिन आप अगर जो चाहते हो कि अपने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल का जो आपने जो भी सीखा है, जो भी 4 साल में जो सीखोगे उसको लेवरेज में कन्वर्ट करने के लिए आप अगर जो चाहते हो, तो उसके लिए कर सकते हो कि आप खुद ऐसे मीन्स कुछ मैकेनिकल में ही कुछ ऐसे आप कुछ मशीन को कुछ मीन्स रिसर्च करके, कुछ अपना माइंड को ज़्यादा मीन्स डेवलप करके, आप ज़्यादा स्किल को सीख करके कुछ अपना नया कुछ ऐसे मशीन को आप डेवलप कर लिए, ठीक है, कुछ ऐसे नए मशीन को बना दिए, तो उसके लिए आपको कोई भी कंपनी मीन्स परचेज करेगी तो समझ सकते हो कि आप लोग कितने पैसे मीन्स लॉट्स ऑफ लॉट्स मनी आप आपको मीन्स उसके लिए मीन्स दिए जाएंगे, ठीक है, कोई भी कंपनी मीन्स परचेस करेगी तो। लेकिन कोई भी कंपनी में आप अगर जो काम करोगे तो उसके लिए क्या है कि आपको 50,000-60,000 उतने ही पैसे मिलेंगे, आपको पूरी लाइफ गुजारनी है, ठीक है। तो ये होती है स्किल को लेवरेज करने में, ठीक है। आप वैसे मीन्स कोई भी मशीन को आप डेवलपमेंट में लगे, ठीक है, जो कि पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसको फिर मीन्स नया डिज़ाइन दे रहे हो, तो क्या है कि वो आप किसी कंपनी में काम करोगे, किसी कंपनी के अंडर में काम करोगे, तो उस कंपनी का जो है वो अपना जो भी पेमेंट होगा वो पेमेंट आपको देगा, ठीक है। लेकिन आप कुछ अपना खुद का अपने स्किल को ज़्यादा डेवलप करके आप खुद का एक नया मशीन तैयार कर लेते हो, आप खुद का एक नया मशीन बनाते हो, तो उसके लिए आपको कंपनी आपको खरीदेंगे और कंपनी उस कोई नया कंपनी आपको उस मशीन को खरीदेगा, आपको आपके माइंड के मुताबिक, आपके मन के मुताबिक आपको पैसे मीन्स आपको वो कंपनी पे करेगी, ठीक है। तो ये होता है कि आप अपने स्किल को लेवरेज में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से, अपने कोई भी स्किल को आप इस तरह से मीन्स माइंड लगाओ कि मैं कैसे लेवरेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे मीन्स बहुत सारे लोगों तक अपने स्किल को पहुँचा सकता हूँ। इस तरह से आप मीन्स छोटे से शुरुआत करो और छोटे से शुरुआत करते करते धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं तो आप फिर एक ऐसा टाइम आता है कि आप मीन्स लैक्स ऑफ लैक मनी मिलियनर बिलियनर बन सकते हो, उस तरह के अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हो, उस तरह के लेवल तक आप पहुंच सकते हो। तो आई होप यार इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला है। और इस वीडियो का मैं जो भी मैंने बताया ऐसा भी नहीं, कुछ एग्जांपल लिए तो ऐसा नहीं है कि किसी को मीन्स ऑफेंड करने का कुछ ऐसा मोटो था, ठीक है, ऐसा नहीं है किसी कंपनी को, किसी पर्सन को, किसी को, ठीक है, इंजीनियर्स आर ग्रेट, इंजीनियर्स आर जो भी कंपनी है सारे अपने आप में मीन्स ग्रेट हैं, ठीक है, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि किसी को ऑफेंड करने का, ठीक है। तो आप बस इस तरह से कुछ मैंने जो भी बताया, मेन जो है लेवरेज पे आपको ध्यान देना है, आपको अपनी लाइफ में खुद से कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कैसे जीरो से मीन्स उस लेवल को अचीव कर सकते हो, मैंने जो भी बताया इस पे आप छोटे लेवल से आप वर्क अपना स्किल को अपना हॉबी को शुरू कर सकते हो, और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे आपकी लेवरेज वैल्यू बढ़ेगी और फिर आप एक दिन बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो। बाकी यार बता दूं कि जिस टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाई है इस पे मैं खुद अपने जो एक वेबसाइट है, मेरा खुद वेबसाइट है ब्लॉग स्पॉट पे मेरा वेबसाइट है, ठीक है, एडुकेट बूस्ट के नाम से, ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे www.educateboost, ठीक है, educateboost.com आप सर्च करोगे तो मेरा वेबसाइट खुल के आएगा, और इसी टॉपिक पे मैंने एक ब्लॉग पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, तो आपको अगर जो कुछ मीन्स डिटेल में आपको मीन्स वीडियो में नहीं समझ में आए तो आप उस ब्लॉग को भी पढ़ के आपको डिटेल में पढ़ सकते हो, और या तो फिर आप मीन्स बहुत सारे मीन्स बुक है जैसे कि हाउ टू बी रिच और मीन्स थिंक एंड ग्रो रिच, इस तरह के बहुत सारे बुक है जिससे कि इसके बारे में और भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। ये सब सारे बुक्स का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो, और
बाकी आपकी कोई इस वीडियो के बारे में कोई राय हो यार, कोई और इस कोई राय हो, कमेंट हो किस इस वीडियो के बारे में, और कुछ मिस नॉलेज कुछ बताना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा कुछ आप बताना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में बता सकते हो। और जो भी मीन्स वैसे स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं उसको वो उसके बारे में वो सब अगर जो कोई आपके फ्रेंड है आपको मीन्स दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, जो कि आपको लगे कि हाँ मीन्स दूसरे को भी ये वीडियो हेल्प कर सकती है, मीन्स आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो, बाकी यार लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। जो भी आपके मीन्स जो भी आपको कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का यूजर नेम मिस्टर एस के सिंह 2020 है, आप वहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन हो एनी क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी मैं कॉलेज के बारे में यार बहुत सारे अब वीडियोज लाऊंगा, और आप अगर जो 11th 12th के साथ साथ IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके साथ तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। मैंने जो भी मेरे को इस वीडियो में बतानी थी मैंने लगभग सारी बातें बता दी, बाकी चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद, वंदे मातरम।